हाय एवरीवन, मैं मेघा और मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें शिल्पा मैम का आई मेकअप कॉपी होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिन्होंने शॉर्ट्स देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, तो उनके उनके लिए ये फुल वीडियो आ चुका है, तो आप देखें और इंजॉय करें। और लास्ट में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस हद तक मैंने कॉपी करा है एफोर्डेबल आइटम से। सिर्फ ब्रश जो मेरे पास है वो प्लूम ब्यूटी का मैंने अभी परचेज किया है ओनली फॉर आई मेकअप, सो उसके हेल्प में लेने वाली हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास जो आई शेडो का कलेक्शन है वो नॉर्मल है, तो आप लास्ट में जज करके बताओ कि किस हद तक कॉपी हो पाया है। मुझे पता है गाइस कि काफ़ी कुछ चीज़ें अभी सीखनी बाकी है, बट एज अ बिगनर मैं कुछ आपको बता दूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। फिलहाल आप मेरे वीडियो को एंजॉय करो, जैसे जैसे मैम मेकअप कर रही हैं आई मेकअप उसी को मैं कॉपी कर रही हूँ। सो बैकग्राउंड में मैं आपको बताऊँगी कि एज अ बिगनर आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको सेटअप, क्योंकि आप जब आई मेकअप करते हो तो आपको आई पे भी फोकस करना होता है, और जो आपका सेटअप होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि मिरर में आपको अपना आईज़ भी दिखे, और जो फ्रेम है आपका जिसमें आप वीडियो बना रहे हो या तो कैमरा या तो मोबाइल है ना, तो उसमें आपका वो आना चाहिए, फ्रेम अच्छा आना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैंने रिंग लाइट लगा रखी है, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो नेचुरल लाइट में था। सो आप डिफरेंस उन दोनों को देख सकते हो, ये वाला वीडियो और इसके पहले जो मैंने अपलोड करा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेक कर सकते हो। तो आप दोनों का डिफरेंस देख लो कि कौन सा लाइट परफेक्ट है। तो ये रिंग लाइट का है वीडियो और ये रात के समय मैं शूट कर रही थी, तो क्या होता था कि कभी कभी लाइट, देखो अभी जैसे कि लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो मुझे ना वहाँ पे उसको भी फोकस करना होता था कि लाइट ज़्यादा हो रही है, और अगर लाइट आपका ज़्यादा रहेगा तो जो आई शेडो का पिगमेंट है वो इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। अभी फिर मैंने लाइट को बैलेंस करा तो वो फिर देखो पिंक कलर अच्छे से दिख रहा है। तो गाइस, एज अ बिगनर आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है, सेटअप, ऊपर से लाइट, प्रॉपर लाइट आना चाहिए फेस पे, शैडो नहीं बनना चाहिए, और आपको मिरर के सामने होना चाहिए। तो ये सब काफ़ी चीज़ें होती है जो मैं दिन ब दिन अपडेट करते जाऊंगी। बैकग्राउंड भी आपको देखना होता है कि बैकग्राउंड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे मैम के वीडियो में आप देखोगे कि उनके सिर्फ और सिर्फ आई फ्रेम में आ रहा है, बट मैंने काफ़ी कोशिश करी बट मेरे से हो नहीं रहा था, तो फिलहाल मेरे दोनों आँखें आ जा रही है। तो ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आप जब प्रोफेशनल हो जाते हो तो ये सब चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना होता है, मतलब कि फ्रेम से हटाना होता है, मतलब प्रॉपर एक प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो ऐसा दिखाना होता है। सो सेकंड है गाइस कि मैम ने जो कट क्रीज बनाया है वो प्रो आर्टे का ब्रश है, जो कि मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ, और जो मेरे पास जो ब्रश है ये भी काफ़ी सही ब्रश है, ये भी प्लूम ब्यूटी का ब्रश का है, सेट में आया है, तो इससे काफ़ी अच्छा कट क्रीज बनता है, आप देख सकते हो। सो गाइज, मैंने जो मैम का आई शेडो पैलेट है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका नाम मैं दे दूँगी, और मेरा तो हेटेड विथ लव का है क्योंकि मैं ओनली फॉर अभी बिगनर हूँ, इसलिए मैंने परचेज करा है। जैसे जैसे मैं सीख जाऊँगी वैसे वैसे मैं और भी अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करूँगी, फ़िलहाल तो एज अ बिगनर आप ट्राई करने के लिए ये सब यूज़ कर सकते हो। फिर मैम ने एक कट क्रीज करने के बाद ऊपर में एक ब्लू आई शेडो को, स्काई ब्लू आई शेडो को ऊपर में डैब डैब करके उसको लगाया है, और जो इनर पार्ट है वहाँ मैम ने थोड़ा सा लाइट आई शेडो लगाया, जो कि मैंने भी लगाया था बट वो लाइट में इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ, जो मेरा सेटअप था लाइट का उसमें विजिबल नहीं हुआ। सो गाइज, फ़िलहाल तो जो जैसे मैम करी हैं, बट मैम का जो मर्ज हुआ है पिंक और ब्लू आई शेडो वो काफ़ी अच्छे से मर्ज हुआ है, बट मेरे इतना अच्छे तरीके से मर्ज नहीं हुआ है, बट होप कि आगे आने वाले वीडियो में ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं और अच्छे से कर लूँ। फ़िलहाल तो यार मैं बिगनर हूँ,
हर बार बताती हूँ, लेकिन जो वीडियो बीच से देखते हैं तो उनको पता कैसे चलेगा, इसलिए मैं बार बार ये लाइन अप्लाई करूँगी अपने हर एक वीडियो में कि आई एम बिगनर। सो कोई जज करने के पहले देख लेना कि मैं बिगनर हूँ, तो कुछ भी मत बोलना। सो गाइज, अब क्या हुआ कि फाइनल टच आने वाला है, तो अभी मैंने आईलाइनर लगा लिया, मैम का विंग्स आईलाइनर था। और एक चीज़ और, मैम का थोड़ा आगे की ओर, मतलब इनर कॉर्नर में मैम का आईलाइनर जाता है, जो कि मुझे वो पहले भी लगाने नहीं आता था, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया, बट मैम का एकदम शार्पली एकदम वैसा आ रखा है पॉइंट वाला टाइप, तो मेरा वैसा हुआ नहीं है, तो उसको इग्नोर करो। बाकी मैंने कॉपी करने की पूरी हद तक कोशिश करी है। अब तो गाइस आप बताओ कि ये कैसा लगा। मैम ने जो ग्लिटर लगाया वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, अदरवाइज़ वो भी मैं यूज़ करती। सो गाइस फाइनली ये आया है लुक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि किस हद तक मैं कॉपी कर पाई हूँ। सो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।